चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आज चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल भी बज चुका है। जहां मध्य प्रदेश में पिछली बार की तरह इस बार भी एक ही चरण में चुनाव होंगे और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं राजस्थान में भी एक ही चरण में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे और वोट डालने की तारीखें हैं 7 और 17 नवंबर। तेलंगाना और मिजोरम में भी एक ही चरण में चुनाव होगा, जहां तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। इन 5 राज्यों की वोटों की गिनती एक ही दिन की जाएगी। इन 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी सत्ता पर काबिज है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस सत्ता में है, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। राजस्थान में 200 सीटें हैं और बहुमत के लिए यहां 101 सीटों की जरूरत होती है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी 2024 को खत्म होगा। पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यहां कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है, जबकि 40 सीटों वाले मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर 2023 को खत्म होने वाला है। यहां पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 21 है, जबकि तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। 119 सीटों वाले तेलंगाना में दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 60 है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं और यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 116 है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर 2018 में हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मार्च 2020 में 22 कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद राज्य सरकार गिर गई थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद भाजपा ने राज्य में सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने।